नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के विषय में बात करूंगा। दोस्तों ये लगा दिया हूँ, जजमेंट जो है इसी विषय में बात करूंगा मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि केस नंबर के लिए, इसलिए मैं लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को अगर केस नंबर चाहिए तो उसे मैं बोल के भी बता दूंगा आगे वीडियो में। आप लोग या तो इसमें देख लीजिए या तो थोड़ा आगे वीडियो देखेंगे तो मैं केस नंबर पूरा बता दूंगा। आप लोग जा करके सर्च करके पूरा डिटेल में भी देख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर डिटेल में बनाऊंगा तो पूरा घंटों की वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैं इसका मेन पॉइंट जो जजमेंट का है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको आप भगा के भी देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। अगर भगा के देखेंगे तो उसमें आपको कोई किसी प्रकार की समझ में नहीं आएगा कि क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया है। इसलिए अगर डिटेल में देख लेंगे, मैं खुद छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहा, डिटेल में देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जितने भारतवासी हैं सबके लिए ही बहुत यूजफुल वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो मैं इसको वीडियो में बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले अब हम वीडियो की ओर। आपको बता देते हैं, जो बताया हूँ ना कि मैं केस नंबर बता देता हूँ, तो आप केस नंबर जान लीजिए पहले। सिविल अपील संख्या 6659/2011 अरुणाचल गौंडर बनाम पुन्नू सामी और अदर। आप जाकर के सर्च कर सकते हैं, देखने के लिए आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। अब उसका जो निचोड़ है, जो उसका शाब्दिक अर्थ है, वो चीज़ को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हूँ। ये मैटर है दोस्तों पैतृक संपत्ति को लेकर के। पैतृक संपत्ति में बेटे का अधिकार होता है, होता था। इस पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी अधिकार दिया है, तो बेटे और बेटी को पैतृक संपत्ति में कब अधिकार मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वो वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और वही बताऊँगा जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में कहा गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति होती क्या है। तो मान लेते हैं कि आपके दादा के पास ज़मीन का एक टुकड़ा था और उनकी मृत्यु हो गई, तो वह ज़मीन आपके पिता को मिल गई है। अब आपके पिताजी की मृत्यु हो गई तो आपको मिल गई है, वह आपको दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि जो पारंपरिक तरीके से हिंदू उत्तराधिकार के अनुसार संपत्ति अविभाजित रही है, पीढ़ियों में चली आ रही है, यह मुख्य रूप से पुरुष वंशजों उत्तराधिकारियों को दिया जाता था। मतलब कि जो पिता के लड़के होते हैं उन्हीं को दिया जाता था, लड़कियों को नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव हुए हैं और बेटियां भी इसका दावा कर सकती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि पैतृक संपत्ति विरासत में मिली संपत्ति से अलग होती है। विरासत में मिली संपत्ति एक तरह की संपत्ति होती है जिसे आपके पिता ने आपके परिवार के किसी अन्य व्यक्ति, जैसे कि चाचा चाची या आपसे संबंधित या आपके वंश वृक्ष में किसी से खरीदा या प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जो आपके पिता को आपके दादा से नहीं मिली। मान लीजिए कि आपके पिता को ने एक घर खरीदा, आपके पिताजी ने एक घर खरीदा और बिना वसीयत किए उनकी मृत्यु हो जाती है, इसे आपके भाइयों और बहनों के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन अगर उनकी वसीयत है तो वसीयत के अनुसार वितरित किया जाएगा। जैसे मर खत्म हो गए हैं घर खरीद करके और उसमें किसी को वसीयत नहीं है तो सब लोगों को मिलेगा, अगर उसमें वसीयत किसी को करके गए हैं तो उसी हिसाब से मिलेगा। यहाँ तक तो आप पैतृक संपत्ति के विषय में जान गए होंगे दोस्तों कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। अब इसके आगे जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो जजमेंट आया है उसको जान लेते हैं, जो मेन टॉपिक है उसके विषय में। अरुणाचल गौंडर बनाम पुन्नू स्वामी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पैतृक संपत्ति
कानूनों और हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 की कुछ धाराओं के पूर्वव्यापी प्रभाव को निर्दिष्ट किया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत छोड़े मर जाता है तो उसकी विरासत में मिली संपत्ति उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति या उसके पिता के बजाय किसी और द्वारा दी गई संपत्ति को पारंपरिक उत्तराधिकारी पद्धति से विभाजित नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बेटियों को ऐसी संपत्तियों पर समान अधिकार होगा तथा वो बेटों के समान ही संपत्ति उत्तराधिकारी होगी। न्यायालय ने महिला के स्वामित्व के संबंध में पैतृक संपत्ति कानून को भी निर्दिष्ट किया। यदि कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, यदि कोई महिला बिना वसीयत के मर जाती है तो उसके पिता की ओर से उसकी संपत्ति पिता के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी और उसके पति की ओर से उसकी संपत्ति पति के उत्तराधिकारियों को दी जाएगी। निर्णय ने लैंगिक समानता की पारंपरिक और आधुनिक समझ को संतुलित किया। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी तक कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो चीज़ को आप लोगों को बता दिया मैं। अब इसमें थोड़ा गहन अध्ययन करने वाली बात यह है कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति के दो लड़के और एक लड़की हैं, उनकी अगर संपत्ति है, उसमें से अगर वो किसी को वसीयत नहीं किए हैं और उनकी खरीदी हुई संपत्ति है और वसीयत नहीं किए हुए हैं, तो उसमें जितने लोग हैं, दो लड़के हैं एक लड़की हैं, तो तीनों का बराबर का हकदार होंगे हिस्से में। वहीं पे अगर पिता की खरीदी हुई संपत्ति है और उसमें अगर वसीयत नहीं किए हुए हैं तो वो चाहें तो अपने बेटे को दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हाँ, उनके मरने के बाद पूरा अधिकार है, पर उनके जिंदा रहते उसमें आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद खरीदा है। हाँ, आपका अधिकार तब हो सकता है कि जब आप ये साबित कर दें कि जब इस ज़मीन को खरीदा गया है तब इसमें मेरा भी योगदान है, मैं भी कुछ इसमें दिया हुआ, जब इस चीज़ को साबित कर दें। अन्यथा अगर पिता चाहे तो बेटे को घर में रहने दे, ना चाहे तो ना रहने दे। उनके मरने के बाद जो है पूरा अधिकार है। ये अगर वही संपत्ति पैतृक संपत्ति है कि दादा की संपत्ति थी, दादा के संपत्ति से पापा को मिल गया है, पापा नहीं रहे तो अब हमको मिल गया है, बेटियों को नहीं मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी ये एक उपचार मिल गया है, मतलब बेटियों को अब का भी बराबर का हक होगा। ये नहीं कि बेटे ले लें बेटी ना ले, पुत्री का भी बराबर का अधिकार होगा। पर क्या है कि कई एक राज्यों में कृषि भूमि से बेटियों का नाम राज्य सरकार काट रही है कि जिनकी शादी हो जाए उनको जो है अपना वहाँ का लेन देन करें, जिनकी नहीं हो तो यहाँ का लेन देन करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पिता की संपत्ति पे पुत्री का पूरा अधिकार है, अगर पिता जीते जी किसी के नाम वसीयत नहीं किया है तो। तो दोस्तों, पैतृक संपत्ति पे ये जो जजमेंट आया है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता दिया, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक बात पहुँच सके। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो को देख करके आप बाहर निकल सकते हैं। और ये वीडियो में मैं जो कुछ भी बताता हूँ दोस्तों सच ही बताता हूँ, सच के अलावा बहुत से आपके चैनल में मिलेंगे अफवाह मिलेंगे, मैं अफवाह में बातें नहीं करता हूँ। जब मैं कन्फर्म होता हूँ बहुत ढूंढ हेर करके उसका एक ब्यौरा बनाता हूँ, उसके बाद ही चैनल में वीडियो डालता हूँ, इसलिए मैं कोई अफवाह नहीं डालता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि लाइफ में कभी ना कभी आपके काम में आ जाएगा। हाँ, अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, बेल आइकन को सेलेक्ट किए हैं, तो जैसे मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और आप लोग
वीडियो का पूरा उद्देश्य क्या है उसको समझ सकेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखेंगे तो कैसे समझ सकेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।